यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करने जा रहे हैं मोहर्रम और कांवड़ यात्रा। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण हो चली है ये चर्चा। वो क्यों हो चली है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। कल मोहर्रम का त्योहार है और त्योहार से पहले माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अगर मोहर्रम नहीं तो कांवड़ भी नहीं। दरअसल सीएम योगी ने परसों कहा था कि त्योहार नियम से मनाइएगा, नियम और कानून से मनाइए, अगर कोई सीमा में रहकर त्योहार नहीं मना सकता है तो अपने आप घर बैठ जाइए, नियम का पालन तो करना होगा। सीएम योगी ने सभी धर्म के त्योहारों के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन शायद पर्व में सख्ती से कमाल फारूकी को दिक्कत है। योगी के बयान पर रिएक्शन देते हुए कमाल फारूकी ने कहा कि अगर मोहर्रम पर रोक लगती है तो फिर रामलीला और कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगनी चाहिए। सोचिए, उन्होंने कहा था कि नियम से होना चाहिए, अब ये यात्रा पर रोक लगाने की बात करें। अरे भाई, आपकी यात्रा को कौन रोक रहा है, कौन ताजिया जुलूस को रोक रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा और रामलीला पर भी रोक लगानी चाहिए। अब फारूकी साहब के इस बयान की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या कमाल फारूकी योगी को ललकार रहे हैं, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी के सामने कांवड़ की शर्त रखी है। उधर मौलाना मेहताब आलम का कहना है कि जब जब मुस्लिम त्योहार आते हैं तब तक योगी का कोई ना कोई फरमान सामने आ जाता है। अब मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन बयानों पर हिंदू संगठनों का कहना है कि त्योहारों पर सख्ती से इन्हें परेशानी हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, कांवड़ वर्सेस मोहर्रम, माहौल गर्म। पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से हम इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। योगी जी ने कह दिया कि हाँ, मोहर्रम का जुलूस नहीं निकलने देंगे। हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपको लग रहा है कि मोहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, सब सुन लिया, सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। कि जब भी मुसलमान का कोई त्यौहार आता है, रमजान हो चाहे बकरीद हो चाहे अब मुहर्रम का हो, जब भी कोई मुसलमानों का त्यौहार आता है आप आदेश पारित कर देते हैं। ये सियासत अब बांटने वाली सियासत नहीं चलेगी, अब प्यार मोहब्बत की सियासत चलेगी। तो आपने देख लिया, सियासत शुरू हो गई है, सिर्फ वो नियम की बात कह रहे हैं, लेकिन जो तमाम मौलाना है, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि कांवड़ और रामलीला को बंद कर। अरे भाई, कौन बंद करा रहा है आपके, आप ताजिया जुलूस निकालिए, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन नियम है वो कांवड़ यात्रा के लिए भी नियम है, वो ताजिया जुलूस के लिए। आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है। पहला सवाल, सख्ती सभी के लिए तो फिर कमाल फारूकी को दिक्कत क्यों, ये तो सख्ती सभी के लिए है। मोहर्रम पर रोक का आदेश नहीं, फिर क्यों बयानबाजी। मोहर्रम को रोकने की तो बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि नियम नहीं मानेंगे तो आप घर बैठ जाइए। क्या धार्मिक यात्राओं में मनमर्जी पर रोक गलत है, सख्ती सभी के लिए तो फिर कमाल फारूकी को दिक्कत क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। नियम से त्योहार मानने में कैसी परेशानी। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे और उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विनोद बंसल जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं वीएचपी की तरफ से। हमारे साथ तुलसी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ उज्वा परवीन जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर, जैसे ही जुड़ती हैं उनको चर्चा में शामिल करेंगे। दानिश कुरैशी जुड़ेंगे, AIMIM प्रवक्ता, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। विनोद बंसल जी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, कोई बात आती है वाकई में, जब भी कोई त्यौहार आते हैं मुस्लिम इसे बड़ा इशू बना लेते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, बात यह कि जिसकी मानसिकता ही विद्वेष फैलाने की हो, जिसकी मानसिकता ही वैमनस्य को पैदा करने की हो, तो वो लगातार जो है विष्पमन करता है समाज के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो कमाल फारूकी है तो कमाल के आदमी है, इनका डीएनए कौन नहीं जानता,
हमेशा से हिंदू समाज को भड़काना, सॉरी मुस्लिम समाज को भड़काना, भड़कलाना और उनको आतंकवाद की राह पर ले जाने की कोशिश करना, ये सब ये तौकीर हो, ये जो कमाल फारूकी हो या और हो, ये सब एक ही डीएनए के चट्टे बट्टे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार देखिए, जब योगी जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये कानून का शासन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, अभी उत्तर प्रदेश ऊंच प्रदेश नहीं बचा, अब ये उत्तर प्रदेश जो है ना, जिसको कि ऐसा वैसा कहते थे लोग, अब उत्तम प्रदेश बनने को चला है। तो आखिरकार नियम जब सबके लिए हैं तो कावड़ अलग कैसे और मुर्रम अलग कैसे? लेकिन ये तो चाहते हैं हमेशा से कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके लिए अलग कानून है, हम तो सरिया से चलेंगे। अरे सरिया से नहीं, ये सरिया के डर से चलते हैं, कहते तो हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह से नहीं, ये सरिया से भी डरते हैं। नहीं, लेकिन विनोद जी, कौन से सरिया? इस तरह की बयानबाजी होगी तो आपको नहीं लग रहा कि माहौल खराब होता है, फिर वही हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है? निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। कमाल फारूकी जैसे नेता कम से कम ऐसा मानता था मैं कि कुछ सेंसेबल नेता है, ये कोई मुस्लिम समुदाय को पढ़े लिखे लोगों में से हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग होकर के भी अनपढ़ होकर के, अनपढ़ बन करके, और लोग अनपढ़ जो समुदाय है, वो जो अनपढ़ लोग हैं उनको बरगला के और उनको आतंकवाद की राह पर, देश विरोध की राह पर, उत्तर प्रदेश के विरोध के खड़े होकर के, और ये जो प्रपंच रखते हैं, ऐसे प्रपंचियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जो शांति है, उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रगति का जो राह खुली है, ये लोग उस प्रगति के बाधक हैं शास्त्र में देखा जाए। चलिए तुलसी महाराज, ये जो लोग हैं जी, लौटता हूँ विनोद जी लौटता हूँ, तुलसी महाराज भी हमारे साथ हिंदू धर्म। तुलसी महाराज जी, जब भी कोई नियम की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग, खासकर मुस्लिम धर्म गुरु या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तमाम लोग अपने ऊपर ले जाते हैं, उसे एक मजहबी रंग देना शुरू कर देते हैं। भैया इसमें तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी दाल रोटी सेकने के लिए कमाल साहब को और कुछ नहीं मिला तो यही सेक रहे हैं। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी कार्य का निर्णय लेते हैं तो वो सर्वधर्म सर्वहिताय होता है, वो सभी के लिए मान्य होता है, क्योंकि हमारी रक्षा कानून के द्वारा हो रही है, संविधान के द्वारा हो रही है। जब संविधान ये कहता है कि मार्केट में चौराहे पे आके हल्ला हुल्ला नहीं किया जाए, अब ये लोग जब मुहर्रम मनाते हैं तो जो ये अपने आप को मारते हैं, काटते हैं, क्या ये अपने आप को दिखाते हैं? ये जो शोबाजी है ये ना हो, यही तो योगी जी कहना चाह रहे हैं, यही तो सब संप्रदाय के प्रति कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो मुखिया है तो अपने एक हित में निर्णय दिया कि भाई देखिए, जिसको जो करना है, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस प्रदेश की रक्षा उनके हाथ में है। कोई घटना घट जाती तब तो कमाल साहब नहीं आएंगे। तो ये जो शोबाजी होती है सड़क पे आके अपने आप को मारना काटना, तो अपने कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर काटो मारो, जो करना है करो, लेकिन चौराहे पे आके आप ये करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, परम आदरणीय जी ने ये कहा। दूसरा, आज आप कह रहे हैं कि कोई गुरु नानक, अरे जो भी हमारी जयंतियां मनाई जाती है उसमें हम काटा कूटी या मारा पीटी अपने आप को नहीं करते हैं, हम अपने आप को, हम वहां पे भी मर्यादित रह के कानून की व्यवस्था में रह के कार्य करते हैं। हम किसी भी कार्य को ऐसे नहीं करते हैं कि जहां पे अपमान हो या जहां पे अपने आप किसी समाज के किसी प्राणी को आहत होना पड़े, इनके कार्यों में तो हर समय यही चीज आ जाता है। दूसरा, इन्हीं को क्यों बुरा लगता है? कोई हमें क्रिश्चियन समाज से नहीं मिला, कोई हमें नानक समाज से नहीं मिला, केवल एक इन्हीं की समाज को सिर्फ बात आ जाती है, इन्हीं को तकलीफ होती है, आज तक और कोई समाज का व्यक्ति बोलने तो नहीं आता भैया। तो हमारा आपसे कहना है ये इनको अपनी रोटी सेकनी होती है, और इनको सच में बात सही है कि ये इतने इतने ज्यादा अपने आप को सामने लाने के लिए क्यों परेशान हो जाते हैं? अरे हम लोग भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, सब साथ में रह रहे हैं, तो ये कैसी बात कर रहे हैं कि हमने तो कभी कोई विरोध नहीं किया, हमने तो कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, तो ये इनको तकलीफ क्यों है ये तो यही जान पाएंगे। विनोद बंसल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए नियम है सबके लिए, नियम है, अभी जैसे कावड़ के लिए भी नियम निकाले गए, बकायदा यूपी सरकार का आदेश है, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि 12 फीट से ऊंची कावड़ ना हो, डीजे बजे, तेज आवाज में डीजे नहीं बजे, अश्लील गाने नहीं बजेंगे, और त्रिशूल और भाला लेकर आप नहीं चलेंगे, ये कावड़ के लिए नियम है। तो वही नियमों की तो बात हो रही है, लेकिन फिर मुस्लिम समाज कह रहा कि फिर तो देखिए कावड़ में भी काफी अल्लाह होता है, कावड़ में डीजे बजता है इतनी तेज तेज, पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, तो फिर कावड़ और रामलीला को बंद करा दीजिए। शर्मा जी, एक बात तो मैं आपके पीसीआर से कहूंगा, जरा मुझे जो ना पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही है, महाराज जी ने क्या बोला बिल्कुल भी सुन नहीं पाया। ठीक, लेकिन मैं देखिए
महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कावड़ में क्या बचता है, मुहर्रम में क्या होता है, महत्वपूर्ण बात है कि नियमों को मानना है कि नहीं मानना और नियमों पर चलना है कि नहीं चलना। जब भी नियमों की बात आती है, कहीं भी नियम बनते हैं, तो सबसे पहले विरोध करने वाला कौन होता है? मुस्लिम समुदाय। चाहे तीन तलाक की बात हो, कि हलाला की बात हो, या कोई अपने समान नागरिक संहिता की बात हो, जनसंख्या विस्फोट की बात हो, जनसंख्या संतुलन की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, या जो कुछ हो, सीधा सीधा ये लगता है जैसे इस्लाम के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, इस्लाम के ऊपर आक्रमण हो रहा है। अरे भाई, जब नियम कोई बनाया तो सबके लिए बनाया, सबके लिए बराबर अप्लाई हो रहे हैं। मुझे बताइए कि योगी जी जैसा शासक जो है ना, जो समदर्शी भाव से काम करता है, जो करना चाहिए, वो आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला और उसके बावजूद भी ये उसमें छींटाकशी कर रहे हैं। लेकिन कमाल फारूकी क्या है, इनका नाम ही कमाल है ना जी, ये कभी कभी चमकते हैं और कमाल की बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय के यूथ को भड़काना भड़कलाना, ये इनकी होती रह गई है। ये देखिए कि किसने कहा आखिरकार के मुहर्रम नहीं बनेगा, लेकिन मुहर्रम को उत्पात नहीं होगा ये तय है। चलिए, दानिश कुरैशी जी है, प्रवक्ता जुड़ गए AIMIM की तरफ से। कुरैशी जी, क्या AIMIM को भी दिक्कत है जो सीएम योगी कह रहे हैं कि देखिए, या उन्होंने गलत क्या, या आप भी कहते हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि कांवड़ और देखिए रामलीला को बंद कर दीजिए? देखिए, जहां तक योगी जी का सवाल है, योगी जी हमेशा से ही विवादित और विवाद में रहे हैं। चाहे आप मस्जिद का मामला जो जेर अदालत है उसमें भी अगले दिन फैसला आने वाला है, और एक दिन पहले वो आके ये कहते हैं कि ये इनको दे देना चाहिए और हिंदुओं को दे देना चाहिए, इस तरीके की उनकी मानसिकता रही है। दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला देना बहुत आम बात है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता है या उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उसके घर बुलडोजर चलता है, ना ही कोई उनके वहां किसी तरह का वो मचाया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यूपी सरकार में जो काम करने की पद्धति है वो बिल्कुल आउटराइट क्लियर है उसके अंदर में, कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं के जो लोग हैं वो चाहे कुछ भी करते रहे तो कोई परेशानी नहीं है, और मुसलमान अगर कुछ करेगा तो उस पर उनको आपत्ति लगेगी। आप मुझे बताइए, होली की आपत्ति की है, वो ताजिया जुलूस निकालने मना थोड़े कर, उन्होंने सिर्फ नियम की बात कही। सुनिए, मैं आपको जवाब दूं। हाँ। मुझे ये बताइए, आपको याद हो तो होली के दिन एक परिवार जो बाइक पे जा रहा था, एक लड़का था और उसके साथ दो महिलाएं थी, उनके साथ जो बदबख्ती की गई, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। और आप देखिए कि मस्जिदों को कवर किया गया था, ढक दिया गया था, मतलब आप होली जो है वो सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल, वो प्रोग्राम बनाएंगे और मस्जिदें ढक दी जाएंगी, लेकिन अगर मुहर्रम की बात है तो आपको नहीं मनाया दिया ना जाएगा। तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात कही है ना उन्होंने, नियम की बात कही, और पहले सड़कें सूनी हो जाती थी, पेड़ कट जाते थे, झोपड़ियां हटा दी जाती थी, रास्ते में आने वाली चीजों को हटा दिया जाता था, मकान तोड़ दिए जाते थे, उन्होंने उस बात का जिक्र किया। और सर देखिए, अभी आप देखिए बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, अभी अबरान नगर और पंत नगर आपने सुन लिया होगा मामला, ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है, योगी सरकार ने एक ही आदेश में सबको रुकवा दिया कि अवैध तरीके से मकान बने कि नहीं गिरेंगे, खुशी मना रहे हैं सारे मुस्लिम समाज के लोग, योगी को धन्यवाद दे रहे हैं, बुलडोजर उन्होंने ऐसे बुलडोजर रोक लिया उन्होंने। आप मत कहिए कि एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं। कुरैशी जी, अच्छा मैं जवाब दूं जी, लखीमपुर खीरी में कितने किसानों की हत्या कर दी गई, उसके वहां बुलडोजर चला? अजय कुमार टेहनी के घर क्यों? भारतीय जनता पार्टी में इसलिए, या मंत्री हैं इसलिए, या योगी जी के चाहक हैं इसलिए, बताइए। ठीक है तुलसी महाराज जी, एक विशेष वर्ग को खुश रखते हैं और एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं सीएम योगी। दानिश कुरैशी जी का आरोप, मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश जी, हमने दानिश जी को सुना, अब दानिश जी नेता जी हैं, वो भी एक नेता जी हैं, तो नेता जी तो अपनी पार्टी की बखान करेंगे। हम यहाँ नेतागिरी की बात नहीं करने बैठे, हम तो सिर्फ कमाल जी की बात का जवाब दे रहे हैं कि जो भी कानून बनता है उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को ही आपत्ति क्यों है, क्रिश्चियन समाज क्यों नहीं आया और कोई समाज क्यों नहीं आता। तो मेरा कहना है कि कानून अगर बनता है तो वो कांवड़ वाले हों या हम मुस्लिम समाज हो या क्रिश्चियन हो या नानक समाज हो, सबके लिए बनता है। बस इतना है कि कोई व्यक्ति जब नहीं मानता है तो उसको कानून व्यवस्था के तहत मनाया जाता है और मनाना जाना चाहिए,
क्योंकि प्रदेश के मुखिया का काम यही है जो करे, और देश के मुखिया का काम वो प्रधानमंत्री जी करते ठीक हैं। कुरैशी जी, एक जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं विनोद बंसल जी की तरफ जाऊंगा। वो यही तो कह रहे हैं कि नियम की बात है, लेकिन नियम सबसे ज्यादा अगर बात आती है तो मुस्लिम समाज को ऐतराज हो जाता है। दानिश कुरैशी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कानून व्यवस्था की जो बात की जाए तो देश का संविधान तो तमाम लोगों को एक सर के हक और हुकूक देता है। मैंने आपसे उनसे पूछा तो भारतीय जनता पार्टी या जो भी प्रवक्ता हैं जनाब, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि लखीमपुर खीरी के अंदर में जो बेचारे किसान की हत्या, यात्राओं पर बात करें ना, हम पर्व पर बात करें, क्या किसान, क्या 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 देश का किसान, देश के किसान के लिए आपको जो डिबेट है, दर्द नहीं है? कावड़ और मोहर्रम की बात कर रहे हैं ना सर, कावड़ के लिए भी नियम है। नहीं कह रहा, हाँ कावड़ बताइए, कावड़ में क्या है? कावड़ के लिए नियम है, इनका रोज का प्रॉब्लम है, इनका रोज का प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताइए कि ईद के दिन ईद की नमाज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होगी, लेकिन कावड़ यात्रा में आप सड़कों पर निकलेंगे तो फिर कैसे निकलेंगे बताइए? विरोधी जवाब देंगे। देखिए हाँ बिल्कुल दूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने सारी बातें कही, इधर उधर चलाई, ये बात वो बात ये बात, लेकिन मोहर्रम पे नहीं बोला कि क्या इनको बलवे की अनुमति दे दी जाए, क्या इनको ये अनुमति दे दी जाए कि लहूलुहान होकर के और सारा खून बखेरते हुए आप सड़कों से निकलेंगे, क्या आपको ये अनुमति दे दी जाए कि जो कि जिस घर से आप जिस घर के सामने से निकलेंगे उसको जलाते हुए निकलेंगे, आपको ये अनुमति दे दी जाए कि आखिरकार उत्पातियों को खुला छोड़ दिया जाए? नहीं भैया नहीं, अभी उत्तर प्रदेश नहीं बचा, वो जिहादियों के पनाह पर चलने वाला प्रदेश नहीं बचा, इसके कैबिनेट में जो जिहादी मंत्री जो है ना भैंस के लिए, तो देखिए ये जो बंसल जी हैं, इनसे कहिए जरा भाषा की मर्यादा अच्छी रखें, अगर तहजीब की अलामत इनके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। कौन है जिहादी आपके पहले की सरकार में, कौन था जिहादी, जरा नाम बताइए, नाम बोल के बताइए आप, ये जो मिथ्या नहीं बोल के बताओ, जिहादी था वहां, उसको रोकना पड़ेगा, ये जिहादी मंत्री का जवाब देना पड़ेगा, कौन सा मुख्यमंत्री जिहादी था वहां? आप मोहर्रम मनाइए लेकिन ऐसे नहीं, जवाब दो ना, नहीं मोहर्रम मनाइए, जवाब दो भाई, नहीं मोहर्रम मनाइए, मुझे ये बताओ कि कौन सा मुख्यमंत्री या कौन सा प्रशासनिक अधिकारी जिहादी है आपके मुताबिक? बनती जा रही पूरे देश, मुझे ये अरे बंसल जी मुझे ये बताओ कि आपके मुताबिक कौन सा प्रशासनिक अधिकारी जिहादी था या अभी है, या पहले जो पहले प्रशासन में जो लोग थे वो जिहादी थे, कौन से लोग थे, क्या नाम बताओ, कौन थे जिहादी? मोहर्रम के नाम पर ये सारी अनुमति दे दी जाए, अरे जवाब तो दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप, जो है ना ठीक है। कुरैशी जी देखिए, दानिश कुरैशी जी एक बात बताइए ना दानिश जी, मोहर्रम का जुलूस निकल रहा है, ठीक है, ये आपका पर्व है, आप देखिए वो शहीद के लिए करते हैं आप ये ताजिया जुलूस, लेकिन कहीं फिलिस्तीन के झंडे लग रहे हैं, कहीं विवादित नारे लग रहे हैं, अमेठी में आपने देखा, बहराइच में देखा, ये फिर ये कैसे सर, ये नियम का पालन करना पड़ेगा, आप फिलिस्तीन के झंडे क्यों लगाएंगे, आप विवादित नारे क्यों लगेंगे, ये हिंदुस्तान है सर, फलस्तीन के झंडे लगाने में क्या, सुनिए फलस्तीन का झंडा लगाने में क्या बुराई है बताइए, आपको तिरंगा लेके चलने में, मतलब तिरंगा में बुराई है और फलस्तीन में कोई बुराई नहीं सर, यानी सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो विनोद बंसल से ये पूछिए कि आपसे पहले योगी जी से पहले कौन सा मुख्यमंत्री था जो जिहादी था इनके मुताबिक, या कौन सा प्रशासनिक अधिकारी था या है वो जिहादी है या था, इनसे पहले तो वो पूछ लीजिए, और अगर इनके पास कोई जवाब नहीं है तो दोबारा इस दोबारा से इनको बुलाया मत करिए। अब ऐसे आगे सुनिए, आप बताओ ना, नहीं सीधे बोलते मोहर्रम में क्या फिलिस्तीन के झंडे लहराने की अनुमति, आ रहा हूं तुलसी महाराज जी, आ रहा हूं, सुनिए मेरी बात, देखिए किसको क्या लहराना है, मेरा त्योहार है, मेरे गमी है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, आपको जो करना है आप करिए, अगर गैर कानूनी है तो सरकार काम करेगी उसके खिलाफ, और अगर नहीं है तो आपके कहने से कुछ रुकने वाला नहीं है। दानिश जी आप तो देखिए उस पार आपके नेता ही आपके सर्वे सर्वाई सदन में जय फिलिस्तीन करते हैं, तो सर ऐसे थोड़े चलेगा, ये हिंदुस्तान है, देखिए तुलसी महाराज जी कैसे चलेगा, क्या फिलिस्तीन चलेगा सर, क्या आपके कहने से चलेगा, फिलिस्तीन चल जाएगा, क्या कहने से चलेगा, तुलसी महाराज जी संविधान की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने बोला ना कुछ, नहीं बताइए कहाँ, नहीं कहाँ लिखा है, फलस्तीन नहीं बोल सकते, बताइए बड़ा या भारत,
नहीं मुझे ये बताओ कहाँ लिखा हुआ है जय फिलिस्तीन नहीं बोला जा सकता, बताइए मुझे, मुझे बताइए कुरान बड़ी दानिश जी पूरे संविधान में लिखा है नहीं बोला जा सकता। एंकर जो है इनसे पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है जय फिलिस्तीन नहीं बोला जा सकता। अरे सर आप संविधान लेकिन क्या ये जय फिलिस्तीन, फिर तो आप कल जय पाकिस्तान भी बोलेंगे क्या यहाँ? नहीं तो इनको दानिश जी फिर तो आपको चले जाना चाहिए फिलिस्तीन पाकिस्तान बोलना है तो बोलिए, हमको जय फिलिस्तीन बोलना है हमने बोल दिया, उसमें बारूद भर के आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो जाइए पाकिस्तान। कोई किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत को मोहब्बत है पाकिस्तान से। आप ये बात गलत बोल रहे हैं दानिश जी, हम आपको ये कहना चाहते हैं और कड़े शब्दों में रोकना चाहते हैं कि फिलिस्तीन या नमक हलाली करना अगर किसी को आता है तो बोले और उसका नमक हलाली, सुनिए देश की जंगे आजादी के लिए सबसे ज्यादा नमक की कुर्बानी मुसलमानों ने दी है और अंग्रेजों की दलाली करने वाले उनकी पेंशन पाने वाले वो आज हमें ये बताएंगे कि किसको क्या कहना है। अरे संविधान क्या का जो जो सार है जो मर्म है उसको नहीं समझ पा रहे ये बैठे हुए लोग। इस देश के अंदर में बाबरी मस्जिद ढहाने का आंदोलन चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी वो हमको सिखाएगी कि संविधान कैसे वो करेगी। अच्छा इस देश में संविधान का हनन करने वाले लोग हैं ये लोग। तो दानिश जी एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप इतना पूछे मैं एक पूछ लेता हूँ। दुनिया की सभी भाषाओं को पैदा करने वाली भाषा का नाम संस्कृत है और सबसे पुराना धर्म सनातन है, तो मस्जिद पहले आई या सनातन पहले आया? देखिए इस दुनिया में सबसे पहले कोई आया तो आदम अलैहि सलाम आए और उसके बाद मैंने बोला हमने आपसे कुछ पूछा नहीं रहा, हम तो आपसे पूछ रहा हूँ दुनिया की सब भाषा को पहले कि दुनिया की उत्पत्ति जो है आदम अलैहि सलाम से हुई और आदम अलैहि सलाम की हम पैदा हम पैदाइश है हम उनकी नस्ल है तो हम उनकी नस्ल है। कुरैशी जी कुरैशी जी कुरैशी जी ओके दानिश कुरैशी जी मेरा मेरा देखिए दानिश जी मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, आप कुछ भी बोलिए जय फिलिस्तीन बोलिए आपकी मर्जी। सुनिए सुनिए एक मिनट तुलसी जी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने खुद कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चल रहा है, नियम और कानून से तो देश चलेगा, बस यही तो कह रहे हैं सीएम योगी कि आप जो ताजिया जुलूस जो मुहर्रम कर रहे हैं वो नियम से चलाना है, संविधान से ही तो कह रहे हैं वो। उसमें क्या संविधान का रोज सुनिए संविधान का रोज सुबह शाम हनन करते हैं योगी जी। मैंने आपको बताया कि मामला अदालत में लंबित होता है उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के तौर पर जब आप ये कहते हैं कि हिंदुओं को ये जगह दे देनी चाहिए ये बताइए ये संविधान में जगह है? मुहर्रम का कौन सा संविधान में जगह है बताओ ना। एक मुख्यमंत्री जो पता नहीं जीत के उस बात से जगह ली गई आप कहां बात कर रहे हैं भैया? चलिए यही होता है जहां हिंदू और मुसलमान की बात आती है वहां चिक चिक शुरू हो जाती है। मेरे पास वक्त की कमी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी, तुलसी जी आपका भी, दानिश कुरैशी जी आपका बहुत शुक्रिया। ये इंदू